नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की चार बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है जहां पर विधानसभा सत्र की कार्यवाही हुई। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है जहां बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश के लिए चुनाव समिति का गठन किया है। तीसरी खबर कैथल से है जहां किसान आंदोलन के कारण रोडवेज बंद। और चौथी खबर जो है वो कुरुक्षेत्र से है जहां पर जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। तो चार बड़ी खबरें और चारों बड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आज की, जहां पर पहली खबर विधानसभा में आज बजट सत्र का पहला दिन था जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ। दूसरी खबर जो है वो है कि नायब सैनी ने प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। और तीसरी खबर किसान आंदोलन से संबंधित है जहां पर बॉर्डर अभी भी सील कर दिए गए हैं और किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। चौथे दौर की बातचीत हुई है और इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आएगा ये आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा। वहीं चौथी खबर जो है वो पांच फसलों को एमएसपी देने की सरकार की तरफ से मांग भले ही जरूर कर दी आश्वासन दे दिया गया, लेकिन सरकार का जो किसान है उनका कहना है कि चार और फसलों पर एमएसपी देना हमें मंजूर नहीं है, हमारी सभी मांगे मानी जाए और सभी फसलों पर एमएसपी दे दी जाए। तो ये बड़ी चार खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर, चार बड़ी तस्वीरें आज की। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ जहां पर हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण में शुरू हुआ। 28 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 23 फरवरी को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। 7 दिन तक चलने वाले बजट सत्र में पहले ही दिन काफी हंगामा देखने को मिला। बजट सत्र के दौरान सदन में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया और इसी को लेकर के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स का बयान भी सामने आया है। कुलदीप वत्स ने कहा है कि बीजेपी सरकार वोटों की राजनीति कर रही है और इसी के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये सदन महिलाओं के कल्याण उत्थान को निरंतर सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का दर्शन व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के पथ पर एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन, माननीय सभासदों, सुशासन के सेवा ही मेरी सरकार का संकल्प है। वर्ष 2021 को सुशासन संकल्प वर्ष और 2022 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया गया। सुशासन का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान होता है, इसलिए वर्ष 2023 को अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया गया है। इस वर्ष को मेरी सरकार संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मना रही है। अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने के मनोरथ से मेरी सरकार ने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आज आपने पता है पूरे प्रदेश में जो गवर्नमेंट है जैसे कि बीजेपी, ये अपना विश्वास लोगों का विश्वास करके लोगों ने इसको बढ़ाया था। आज लोगों की नजरों से एक लोगों की नजरों में उनका विश्वास खत्म हो चुका है। इसके लिए आज हम विश्वास लेके आए, विश्वास प्रस्ताव लेके आए। देखिए जो किसान की बात है, जिस किसानों ने उनको वोटे दी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले नारा देते थे कि भी हम एमएसपी लागू करेंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे। आज हमारे प्रदेश के किसान और देश के किसान पंजाब के भाई हरियाणा में नहीं जा सकते, हरियाणा के भाई दिल्ली में नहीं जा सकते। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां मारी जा रही हैं, रबड़ की गोलियां मारी जा रही हैं, किसानों पे झूठे 307 के मुकदमा जींद के अंदर लगाए जा रहे हैं। तो ये किसान का विश्वास इनके प्रति खत्म हो चुका। युवाओं की जो बात थी, जो युवाओं की 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात करते थे, आज सबसे ज्यादा देश में अगर कोई बेरोजगारी में अगर नंबर 1 है तो हरियाणा है। तो इन्होंने हरियाणा के युवाओं का विश्वास खत्म किया,
आज देश में अग्निवीर के नाम से, पहले मैं आपको बता दूं करीबन हर साल हमारे 5500 लड़के फौज में भर्ती होते थे, पर अग्निवीर का नाम देकर आज 950 की एवरेज साल के अंदर हरियाणा की आई है। तो उन्होंने युवाओं का विश्वास खत्म किया। कर्मचारी, जो कर्मचारी वर्ग था, आज रोडों के ऊपर कर्मचारी वर्ग मेरे हिसाब से 9.5 साल के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई धरना प्रदर्शन कर्मचारियों का हुआ, चाहे वो टीचरों का था, चाहे गैस टीचर का था, चाहे रोडवेज का था, चाहे कंडक्टरों का था, चाहे वो अपने पटवारियों का था, अनेकों महकमे ऐसे थे जिनका इन्होंने दिल तोड़ने का काम किया, जिनकी मांगे इन्होंने ना मांगने का काम किया, तो इन्होंने कर्मचारियों का भी ऐसे विश्वास मत किया। उसके बाद ये खेल और खिलाड़ी की बात करते थे, आपने देखा, देश ने देखा किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को, खिलाड़ियों को जो सम्मान की बात करते थे, खिलाड़ियों को किस प्रकार से जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा घसीटा जा रहा था, जो इनके बीच ये जो बीजेपी के लोग थे किस प्रकार से उन बेटियों के प्रतीक जो या बर्दा भाषा यूज कर रहे थे, तो इन्होंने खिलाड़ियों का विश्वास खत्म किया। उसके बाद ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, प्रदेश के अंदर महिला कोच जो हमारी बेटी थी और आपकी सबकी हमारी बहन बेटी थी, जो महिलाओं का सम्मान की बात करते थे, महिला कोच ने पूर्ण रूप से मंत्रियों पे FIR लॉज तक की हुई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बेटियों पर बलात्कार के केस हुए, अत्याचार हुए, तो इन्होंने बेटियों का भी विश्वास इन्होंने खत्म करने का काम किया। उसके बाद जो मिडिल बिजनेसमैन थे, जिन्होंने आश की थी कि बीजेपी की जो जेजेपी की गवर्नमेंट बनी है ये कुछ बिजनेस को बढ़ावा देगी, तो मिडिल बिजनेसमैन को इन्होंने मारने का काम किया। लास्ट एक चीज और कह रहा हूं, सबसे ज्यादा जो SC BC और BPL परिवारों की बात करते थे, आज आप इस प्रदेश के अंदर लाखों लोग PPP के तहत इन्होंने लाखों लोगों की पेंशन काटने का काम किया, लाखों लोगों के BPL कार्ड काटने का काम किया, तो ये गवर्नमेंट हर तरीके से फेल है। इसलिए जो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि जनता की आवाज को, देखिए पास हो या ना हो तो है, पर हमने राजेंद्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो है इस विश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, हमने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से इसको पूर्ण तरीके से उठाएंगे और देखेंगे कौन कौन पक्ष और विपक्ष के लोग कितने इसके पक्ष में हैं और कितने किसान के खिलाफ हैं, कितने युवाओं के खिलाफ हैं, कितने खिलाड़ियों के खिलाफ हैं, कितने BPL SC BC के भाइयों के खिलाफ। तो आप सबके, आप कल परसों 22 को जो होगा आपके सामने होगा। देखिए ठीक है, अंदर आधारशिला प्रधानमंत्री जी रख के गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी और देश के मुख्यमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, ये 2016 का कितने साल के बाद, जब 15 दिन के बाद इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं, तो ये आज आधारशिला इन्होंने रखी है। इससे पहले मैं बिनोला के अंदर डिफेंस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गए थे मनमोहन सिंह जी, और पैसा मंजूर हुआ, वो काम आज तक नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ये जो गवर्नर साहब का एड्रेस था ये बिल्कुल वही लिखा पढ़ा जो एक होता है वही था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आज बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है हरियाणा के, और राज्यपाल का अभिभाषण हुआ जिसमें उन्होंने अपनी सरकार के कई कामों को गिनाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, आज बजट सत्र का पहला दिन था और हंगामेदार भी जो पूरा सत्र रहा वो रहा आज का दिन, तो ऐसे में क्या कुछ खास हुआ और राज्यपाल ने किन किन उपलब्धियों को गिनाया? देखिए, अगर हम के सत्र के पहले दिन की बात करें तो बजट ओवरऑल हंगामेदार रहा है, काफी कुछ पक्ष की तरफ से जो निशाना सरकार की तरफ साधा गया। दरअसल हरियाणा सरकार जो है वो बजट सत्र को लेकर जो है वो आज ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चाहती थी, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो हरियाणा के जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनकी तरफ से जो उसको ऐतराज जताया, उनका कहना था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर उसी दिन चर्चा नहीं होनी चाहिए, सदस्यों को जो है वो तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए, इसको लेकर थोड़ा सदन जो डिस्टर्ब हुआ। इसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं काफी विवाद इसको देखने को मिला, लेकिन कह सकते हैं कि ओवरऑल सदन के पहले दिन राज्यपाल का भाषण हुआ जिसमें राज्यपाल जो बंगाली दत्तात्रेय थे उन्होंने अपनी सरकार की प्रथम प्राथमिकताओं को रखा, जो प्रदेश में हरियाणा की सरकार पिछले 9 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने किया, उन सभी को राज्यपाल ने जो है आज सदन में रखा है।
प्रदेश के करीब 6000 गांव में बिजली पानी जो दिया जा रहा है। इसके अलावा बाकी जितने भी काम जो है, जो 4 गन्ना मिल जो 9 साल के कार्यकाल में बनी, इनके ऊपर जो है राज्यपाल ने अपने जो है विचार रखे, और उसके बाद जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से उसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर जो है वो वाद विवाद जो है वो जो क्या बोलते हैं उसका विरोध किया गया। और आज जो है हरियाणा में जो कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव था उसको लेकर भी जो है वो सदन पे रख दिया गया, और उम्मीद की जा रही है 18 तारीख को यानी कि परसों इस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी। तो कह सकते हैं कि आज का दिन कुल मिलाकर खट्टे मीठे की तरह एक का दिन जो है वो निपट गया जी। लेकिन विपक्ष को हमने देखा जो है ओपी वो लगातार सत्र के समय की अवधि को बढ़ाने की मांग भी कर रहा था। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये कहा था कि हम और समय बढ़ाने की मांग करेंगे, क्योंकि पहले जो ये कार्यवाही होनी थी, जो पूरा सत्र चलना था वो 6 मार्च तक चलना था। लेकिन जब कल बीएसए की मीटिंग हुई उसके बाद से ये तय हुआ कि भाई नहीं, 8 दिन का ये चलेगा, 28 तारीख तक का ये सत्र चलेगा। तो ऐसे में विपक्ष में एक नाराजगी ये भी देखी जा रही थी। और आज अगर कुलदीप वत्स की हम बात करें तो उन्होंने तमाम सारी ऐसे सवाल सरकार पर दागे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो सरकार है घोटालों की सरकार है, या फिर चाहे बात करें इनकी जो भी रणनीतियां ये लोग बनाते हैं सरकार के नाम पर या फिर जनता के नाम पर, ये धोखा एक तरीके से जनता को दे रहे हैं, प्रदर्शन वाली सरकार उन्होंने सीधे तौर पर कहा है। देखिए सरकार की बात कहीं ना कहीं जो है आज जो है विपक्ष को जो थोड़ा सा ज्यादा मौका मिला, सरकार जो है वो बोल नहीं पाई, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज पहले दिन कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर हावी दिखा। लेकिन अब जैसे जैसे सत्र की जो आगे बढ़ेगा तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष किस तरह, सरकार जो है विपक्ष के सवालों में किस तरीके से जवाब देगी। ठीक है, पहला दिन था, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सरकार के ऊपर हावी दिखा, लेकिन अभी बहुत कुछ है। हाँ, ये जरूर है कि सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर जो है कांग्रेस की तरफ से डिमांड की गई थी, लेकिन सरकार ने सत्र की अवधि बढ़ाने की बजाय बल्कि उसके अंदर जो छुट्टियां जो एक रिसेशन पीरियड रखा गया था, आमतौर पर हरियाणा पिछले जो है 5 साल से ये एक ट्रेंड चल रहा है कि जब भी कोई बजट पेश होता है तो उसके बाद जो है करीबन कुछ कमेटियां जो है बना दी जाती है। बिल्कुल ओपी, नजर जरूर आप बनाए रखिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा सत्र रहने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। टीना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका है। आज पहला दिन था बजट सत्र की कार्यवाही का, पहला दिन था, ऐसे में जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने पूरे सरकार के कामों को अपने गिनाया, तमाम सारी बातें उन्होंने उसमें कहीं, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे आदित्य एल1 हो, चाहे जो कुछ भी उनके सरकार की उपलब्धियां उन्होंने पूरी गिनाई है, राज्य से तक की केंद्र तक की उपलब्धियां। विपक्ष बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहा है। इनका कहना है कि भाई राज्यपाल जी को तो एक भाषण थमा दिया जाता है, उन्हें भी पता है कि हकीकत क्या है। देखो जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही है, तो मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने सिद्ध कर दिया। आपको ही पता है G20 का सफल आयोजन हुआ है, एक भव्य राम मंदिर बना है, धारा 370 और 35 तोड़ दी गई है, और मैं समझता हूँ देवतुल्य जनता जनार्दन ने भी मोदी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई है। अभी हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव हुए थे तो मोदी जी की गारंटी चली थी, उनकी सुनामी चल चुकी है, और सबसे बड़े किसान हित ऐसी मजदूर हित ऐसी ये मोदी जी हैं। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मनोहर लाल की मनोहर नीतियां प्रदेश की जनता को भा रही है और चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही है। मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लग रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा और उपकार हो ही नहीं सकता। समान विकास चाहिए, लेकिन कांग्रेस का कहना है, शर्मा जी कांग्रेस का कहना है कि भाई धरना प्रदर्शन वाली सरकार बन गई है, चाहे रोजगार के मामले में कहे, जितना भी कर्मचारी वर्ग है पूरे प्रदेश में परेशान है, देश में परेशान है, बस ये अपने दावे ठोकते जा रहे हैं। देखो कांग्रेस की दुकान बंद हो चुकी है, कांग्रेस की दुकान में सौदा नहीं रहा, ये मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे, इन्होंने नफरत का सामान बेचना शुरू कर दिया तो जनता जनार्दन ने इनको नकार दिया। ये तो नकारे जा चुके हैं, ये तो बरगलाएंगे किसानों के बीच में बढ़ के उनको बहकाएंगे। तो किसान ऐसी हमारी सरकार है और किसानों की, मजदूरों की सरकार है, मैं आपको बता दूं। ठीक,
शर्मा जी बने रहिएगा, टीना जी भी हमारे साथ बनी हुई, एक सवाल उनसे ले। टीना जी, आपने सुना शर्मा जी का, उनका कहना है कि भैया आपकी दुकान बंद हो गई, अब आप बस बरगलाने का काम कर सकते हैं। मैंने 10 साल सिर्फ और सिर्फ नफरत की है, नफरत की खेती की है, और आज ये नफरत की खेती का वजह है कि जिस तरीके से इनको अपने नेताओं को आज आकर बोल रहे हैं, इस तरीके के भाषण दे रहे हैं। आज इन 10 सालों में अगर युवाओं को नौकरी दी होती तो आज ऐसी हालत नहीं होती। इसराइल में जा रहे हैं, बताइए आप, अब इसराइल में नौकरी तलाश रहे हैं जहाँ वहां वॉर हो रहा है, सबको पता है, जहां वादा किया गया था कि हम इतनी नौकरियां देंगे 20 करोड़ के कायदे से, 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, तो स्मार्ट सिटी मिल जाना चाहिए था, काला धन वापस लेने आने वाले थे ये लोग। और इससे पहले की बात की जाए तो जब इन्होंने वादे किए, पुराने भाषण सुन लें, पुराने भाषणों में वादे किए थे, और खट्टर साहब की तो बात ऐसी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ अपना लिखा पढ़ा भाषण जो इनके वर्दी दे देते हैं वो आकर बोल देते हैं, लेकिन इन्होंने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। अगर ये धरातल में जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाए, युवाओं से बातचीत करें तो इनको पता चल जाए, देखा होगा जिस तरीके से सम्मेलनों में जाते थे तो किस तरीके से सबसे ज्यादा युवा रोष में है आज के समय में, और उनको अगर नौकरी नहीं मिली तो दूसरे दूसरे प्रदेशों में अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। ये क्लर्क की भर्ती के लिए ये तो कह रहे हैं कि भाई पूरे देश में मोदी की आंधी चल चुकी है और हरियाणा में जो सरकार है ऐसी सरकार कभी बनी ही नहीं है। या इनके नेता के यहाँ ईडी सीबीआई नहीं पहुंच रही है, नहीं तो देखिए किस तरीके से मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, 100 करोड़ के करीब का, और 500 करोड़ से अधिक तो इनके ऊपर ईडी सीबीआई पहुंच रही है, तो ये ईडी भी नहीं कर दिया, अदरवाइज तो इनके यहाँ इतना काला धन निकलने वाला है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है शर्मा जी, जनता खुश है नहीं है ये तो बात की बात बन गई, लेकिन विपक्ष बिल्कुल खुश नहीं है, वो बिल्कुल सीधे सीधे आरोप लगा रहा है, आप जिन उपलब्धियों को गिना रहे हैं वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उनकी तो दुकानदारी बंद हो गई है ना, उनका काम है शोर मचाना। इनके इनसे पूछिए रॉबर्ट वाड्रा के पास में ऐसी कौन सी नोट बनाने की मशीन है, वो आशा संपत्ति का मालिक कैसे हो गया, ये तो बिल्डरों की सरकार थी, किसानों की सस्ते भाव में जमीन खरीद ली, सस्ते भाव में सेक्शन 4-6 का नोटिस दे करके। ठीक, अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, पहला दिन आज था शर्मा जी, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है, बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश के लिए चुनाव समिति का गठन भी कर दिया है। इस समिति में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नायब सैनी, गृहमंत्री अनिल विज और केंद्रीय मंत्रियों का नाम शामिल है। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और कंवरपाल गुर्जर का नाम भी इसमें शामिल है। हरियाणा के लिए चुनाव समिति का गठन प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने किया है, और आपको बता दें कि जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया। और वहीं किसानों के प्रदर्शनों के कारण पंजाब और दिल्ली के बीच के बॉर्डरों पर सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे हरियाणा के कैथल में रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित हुआ है। एक सप्ताह से जम्मू कश्मीर और जयपुर जाने वाली रोडवेज बसें बंद पड़ी हुई हैं, बसें अब केवल दिल्ली के बॉर्डर तक ही जा पा रही हैं, जिसके कारण से रोडवेज को 50 लाख रूपये से अधिक का नुकसान हो गया है। आपको बताते चले कि पंजाब के किसानों की ओर से दिल्ली कूच के आह्वान के तहत अंबाला के शंभू और खनौरी बॉर्डर में दाता सिंह वाला बॉर्डर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने रास्ता बंद होने के चलते बॉर्डरों पर ही डेरा डाल दिया है। इसका असर कैथल रोडवेज पर भी पड़ा है, क्योंकि 13 फरवरी से ही जम्मू और जयपुर जाने वाली बसें बंद हैं। तो कैथल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ किसान आंदोलन जो है वो लगातार जारी है, लगातार केंद्र और किसानों के बीच बातचीत भी हो रही है, लेकिन बातचीत बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसी बीच जो आमजन है वो परेशान हो रहा है, और रोडवेज की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जम्मू जाने वाली, जयपुर जाने वाली जो भी बसें हैं वो पिछले एक हफ्ते से बंद है। ऐसे में जिन लोगों को जाना आना है वो तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन रोडवेज को भी एक बड़ा नुकसान इस बीच हुआ है। 50 लाख से ज्यादा का नुकसान रोडवेज को हुआ है, तो एक बड़ी
क्षति मानी जा रही है और लोग जो है जिन्हें आना जाना है वो भी परेशान हो रहे हैं और किसान लगातार जो है बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। उनको उनका कहना है कि जब तक पूरी मांगे नहीं मान ली जाती हैं तब तक वो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं और अगर कुछ भी उजनीच होती है उनकी बात को नहीं मानने की बात होती है तो वो दिल्ली कूच करेंगे। तो ऐसे में सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि बातचीत से मामला सुलझे। आज जो खबर आई थी उसमें यह पता चला था कि 4 और फसलों पर MSP देने के लिए सरकार राजी हो गई है लेकिन किसानों का कहना है कि भाई हम छोटी मोटी बात से अब नहीं मानने वाले हैं, हमारी सभी मांगे मानी जाएंगी तभी हम यहां से हटेंगे, नहीं तो यहीं पर डटे रहेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये कैथल से आपको दिखा रहे हैं जहां पर बसों का संचालन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें आपको बता दें कि देर रात किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों की हुई बैठक में 5 फसलों को MSP देने की बात तय हुई है लेकिन इसमें तिलहन की फसलों को नहीं जोड़ा गया है और इस पूरे मामले पर चढ़ूनी ने कहा है कि हरियाणा में इन फसलों का महत्व है, जब तक इन फसलों को MSP में शामिल नहीं किया जाता तब तक हरियाणा के किसानों के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि इन फसलों के में जो है बाजरे का जिक्र नहीं किया गया है और ना ही किसी क्षेत्र में किसी और क्षेत्र का जिक्र किया गया है। आज जो आंदोलन देश में चल रहा है इसमें जो बातचीत हुई है, कल जो बातचीत हुई है जिसपे सारे देश की आंखें थी कि शायद कोई हल निकलेगा, उसमें उन्होंने 5 फसलों पे आश्वासन दिया है कि हम इनको एजेंसियों से जो है वो खरीद करवाने की बात कर सकते हैं। हमारा उसमें कहना ये है कि 2 मुख्य फसलों पे चर्चा नहीं हुई, या चर्चा नहीं हुई है तो माननी नहीं है, चर्चा हुई हो तो माननी नहीं है। उनमें एक फसल जो बहुत अहम है वो है ऑयल सीड। ऑयल सीड पे कोई चर्चा नहीं हुई है और ऑयल सीड बहुत भारी मात्रा में पैदा होता है, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, बाकी पूरे देश में भी होता है और ऑयल सीड की वजह से खाने वाले जो तेल हैं वो बाहर से बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होते हैं, मानिए करीब 1,00,000 करोड़ का तो हर साल हो ही जाता है, जो अपने देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है। और दूसरा उसका नुकसान ये हुआ कि जो गेहूं का एरिया था वो बदल के सरसों के नीचे चला, वो जो सरसों का एरिया था वो बदल के गेहूं के नीचे चला गया, गेहूं का उत्पादन फालतू है। और बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। Hey, listen.